स्वागत है सभी के मेट्रो चैनल टेक्निकल एमएसएच में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आईटीआई के ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक आईटीआई इंस्टीट्यूट जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, जो एक प्रकार का वोकेशनल प्रोफेशनल कोर्स का इंस्टीट्यूट होता है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे आईटीआई हो। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी स्टाफ मेम्बर होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका वर्क कैसा होता है, ठीक है, ये आईटीआई का एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे रनिंग होता है, कैसे चलता है, जैसे बहुत प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे एक इंडस्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज के होते हैं, तो सेम एज आईटीआई का भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें अलग 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 स्टाफ मेम्बर होते हैं, जिसके द्वारा आईटीआई का कोर्स जो है वो रनिंग होता है, पाया जाता है, चाहे आईटी इंस्टीट्यूट आपके गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे पीपीटी मॉडल पब्लिक पार्टनरशिप के आईटी इंस्टीट्यूट हो। तो आइए हम लोग एक देखते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय आपको मिलते रहे। आईटीआई जो स्किल इंडिया भारत सरकार डायरेक्टर ऑफ जनरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग के द्वारा चलाया जाता है, आई टी इंस्टीट्यूट में हम देखते हैं तो प्रिंसिपल होते हैं। इनका क्या काम है, ये किसी इंस्टीट्यूट के मेन पर्सन होते हैं जिनका दायित्व तो बनता है पूरा इंस्टीट्यूट को रनिंग कराना, ठीक है। तो सारा काम जो है इनके देख रेख में ही होता है। वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जैसा ही इनका भी काम होता है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर होते हैं, टीपीओ जिसे कहते हैं हम, इनका काम होता है जो भी ट्रेनिंग से रिलेटेड आईटीआई का छात्रों का ट्रेनिंग्स का जो प्लेसमेंट होता है और ऑफिशियल जो वर्क होता है वो सारा का सारा वर्क जो है इनके इन पे इनको दिया जाता है, टीपीओ जिन्हें ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर, ठीक है, मैंने प्लेसमेंट जॉब से रिलेटेड कैरियर्स जॉब से रिलेटेड जितने भी जिम्मेदारियाँ होती हैं इनको ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर टीपीओ किया जाता है। और एक प्रकार के इंस्ट्रक्टर भी होते हैं जो आपका आवश्यकता पड़ने पर ट्रेड्स में क्लास वगैरह भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्रुप इंस्ट्रक्टर और ट्रेनिंग ऑफिसर। ग्रुप इंस्ट्रक्टर और ट्रेनिंग ऑफिसर इसे कहते हैं, जितने भी ट्रेड वाइज होते हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन फिटर और इंजीनियरिंग कोर्स स्कोपर ब्यूटिशियन इंजीनियरिंग जितने भी कोर्स होते हैं आईटीआई में, चाहे कोर्स इंजीनियरिंग कोर्स हो चाहे इंजीनियरिंग कोर्स हो, उस कोर्स का पढ़ाई को चाहे आपका थ्योरी पेपर हो चाहे प्रैक्टिकल पेपर हो चाहे ड्राइंग पेपर हो चाहे टेम्पलेट स्किल पेपर हो चाहे वर्कशॉप कैलकुलेशन पेपर हो, तो सभी के लिए अलग अलग आपके इंस्ट्रक्टर जिन्हें हम टीचर भी कहते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं, जिनका काम है रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के हिसाब से छात्रों को पढ़ाना, तो जिन्हें हम ग्रुप इंस्ट्रक्टर और ट्रेनिंग ऑफिसर भी कहते हैं। और उसके अंतर्गत आते हैं वोकेशन इंस्ट्रक्टर, जूनियर ऑफिसर। जूनियर वोकेशन इंस्ट्रक्टर के अंतर्गत आते हैं इंस्ट्रक्टर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, जैसे ड्राइंग के इंस्ट्रक्टर अलग होते हैं, थ्योरी के अलग होते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन जिन्हें मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर कहते हैं वो अलग इंस्ट्रक्टर होते हैं, असिस्टेंट वोकेशन इंस्ट्रक्टर होते हैं, वर्कशॉप अटेंडेंट होते हैं जो वर्कशॉप में होते हैं, कुछ अलाइड ट्रेड के इंस्ट्रक्टर होते हैं, वर्कशॉप इंचार्ज होते हैं, ये सारे के सारे इसके इनका ये इंस्ट्रक्टर का ड्यूटी बनता है। इंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है किसी कोर्स जो होता है उसको इंस्ट्रक्ट करना, ट्रेनिंग देना, ठीक है। उसके बाद ऑफिस से रिलेटेड काम आते हैं, ऑफिस एक डिपार्टमेंट होता है जिन्हें ऑफिस का हेड कहा जाता है, जिन्हें हम ऑफिस सुपरिटेंडेंट कहते हैं, ठीक है। तो इनका पूरा दायित्व होता है कि ऑफिस से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं सारे के सारे की जिम्मेदारी पे इन पे आती है, ठीक है, सारे के सारे काम जो है इनके ज़िम्मेदारी में होता है ये, ठीक है, जो एक प्रकार का ऑफिस का मैनेजर भी कह सकते हैं, ऑफिस को मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑफिस को मैनेज करने का सारा जिम्मेदारी जो है इनके इन पे इनको दिया जाता है ऑफिस सुपरिटेंडेंट को।
ऑफिस सुपरिटेंडेंट के अंदर जो काम करते हैं, ठीक है, जो ऑफिस में जो जो स्टाफ होते हैं उनमें अकाउंटेंट स्टाफ होते हैं, क्लर्क स्टाफ होते हैं, ग्रुप डी स्टाफ होता है, पियोन्स, ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर कुछ सपोर्टिंग स्टाफ भी होते हैं कि एडमिशन से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और एडमिशंस, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम रिलेटेड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ठीक है, तो सारा का सारा काम जो है ऑफिशियल जो वर्क होता है वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट के इन्हीं सभी स्टाफ और के द्वारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं, ज़्यादातर हॉस्टल जो है आपने सुना होगा, हॉस्टल पीपीटी मॉडल और पीपीटी गवर्नमेंट पीपीटी आईटीआई जो होते हैं, और गवर्नमेंट आईटीआई में ज़्यादातर हॉस्टल पाया जाता है। तो अगर किसी इंस्टीट्यूट के पास हॉस्टल फैसिलिटी अगर अवेलेबल है तो इनमें हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होते हैं जो हॉस्टल के हेड होते हैं, और उसके साथ साथ फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं जो आपको योगा की और खेल कूद से स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन कराते हैं, क्रिकेट हुआ, बैडमिंटन हुआ, फुटबॉल हुआ, ये सब रिलेटेड ये इंस्ट्रक्टर होते हैं, ठीक है। नहीं, हॉस्टल में आपको स्टे करना, अकोमोडेशन करना, क्या हॉस्टल का मेंटेनेंस है, सबको हॉस्टल का रूम वगैरह को मैनेज करना, चाहे आपका जो भी आवश्यकता पड़ती है, सारा का जिम्मेदारी जो है वो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के अंदर होता है। और नेक्स्ट आता है हॉस्टल क्लर्क। हॉस्टल क्लर्क का जो काम होता है, हॉस्टल में कोई अगर छात्र जो एडमिशन लेता है या फॉर्म फिलअप जमा करता है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वर्क जो होता है वो हॉस्टल क्लर्क के अंतर्गत आता है, ठीक है। और हॉस्टल में कुछ ग्रुप डी स्टाफ भी होते हैं जो सपोर्टिंग स्टाफ के हिसाब से हॉस्टल में होते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टोर कीपर। स्टोर कीपर जो होते हैं, जो स्टोर असिस्टेंट और स्टोर कीपर में एक स्टोर सुपरिटेंडेंट होते हैं। स्टोर का मतलब होता है, जो आपने सुना होगा आईटीआई में वर्कशॉप होता है एक, जिसमें मेन, क्योंकि आईटीआई जो है एक इंडस्ट्री बेस्ड कोर्स है तो वर्कशॉप की आवश्यकता पड़ती है। वर्कशॉप में जो रॉ मटेरियल जो इशू होते हैं, रॉ मटेरियल जो आवश्यकता पड़ती है तो इशू कराते हैं, तो इशू इसी के थ्रू स्टोर को थ्री यहाँ से इशू होते हैं। तो स्टोर सुपरिटेंडेंट जो होता है जितने भी वर्कशॉप में मटेरियल्स वगैरह जो रिक्वायरमेंट होता है वो स्टोर से ही कलेक्ट करते हैं। तो स्टोर के लिए चाहे आपका इंस्टीट्यूट का जो भी रॉ मटेरियल हो, चाहे आपका मेटल्स हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो, या आपका कुछ और भी जरूरत के सामान हो, सारे के सारे स्टोर में पड़े होते हैं, ठीक है। और उसके लिए एक स्टोर सुपरिटेंडेंट होता है जो उसको मैनेज करते हैं, स्टोर में कितना आइटम मटेरियल इक्विपमेंट्स या टूल्स इक्विपमेंट अवेलेबल है, ये मटेरियल अवेलेबल है जो आवश्यकता पड़ने पर वर्कशॉप में डिस्ट्रिक्टिव वर्कशॉप में सप्लाई दिए जाते हैं, ठीक है। तो इनका एक डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, ये लोग इशू करके सप्लाई देते हैं, जितनी आपका सेशन में जिस हिसाब से सेशन में आपकी आवश्यकता पड़ती है सबसे आपको। और स्टोर के सुपरिटेंडेंट जो होते हैं उनको ये पूरा दायित्व बनता है कि आप पूरा स्टोर को मैनेज करेंगे। एक प्रकार के स्टोर सुपरिटेंडेंट स्टोर के मैनेजर होते हैं, अंडर में आते हैं स्टोर कीपर असिस्टेंट, जो स्टोर में किसी भी सामान, कोई भी सामान इशू होता है तो उसको मैनेज करना, ठीक है। और स्टोर कीपर जो होते हैं स्टोर में जो भी मटेरियल को स्टोर करना है, उसको कीपिंग करना है, उसको रिकॉर्ड रखना है, उसका मेंटेनेंस रखना है, उसका हिसाब रखना है, तो सारा का सारा जो है कैलकुलेशन और डॉक्यूमेंटल वर्क जो होता है स्टोर कीपर स्टोर कीपर के अंतर्गत आता है। और स्टोर अटेंडेंट, स्टोर में किसी रॉ मटेरियल को इशू करना है, निकालना है या कैरी करना है या जो भी है, ओके, एक प्रकार के स्टोर असिस्टेंट भी कह सकते हैं इसे। फिर स्टोर में जो है स्टोर असिस्टेंट स्टाफ भी के हिसाब से भी काम करते हैं स्टोर अटेंडेंट। मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल कंपाउंडर, और ये ज़्यादातर किसी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ होते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे पीपीटी पर, वहाँ पे ये होते हैं जिन्हें हम मेडिकल ऑफिसर भी कहते हैं, कंपाउंडर भी कहते हैं, ठीक है। तो इनका कार्य होता है एक प्रकार का डॉक्टर के हिसाब से होता है, एक मेडिकल एक छोटा सा डिस्पेंसरी जैसा, एक क्लिनिक जैसा होता है ये। आवश्यकता पड़ने पे कुछ भी मेडिकल कंडीशन में आपको ये ट्रीटमेंट वगैरह आपको देने की इनका जिम्मेदारी होता है, मेडिकल ऑफिसर का और कंपाउंडर का। तो ये तो हुआ आईटीआई का ऑर्गेनाइजेशन, जिसके दो प्राइक आईटीआई का ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रन होता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो ये भारत सरकार
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है, DGT के द्वारा, जो ये पूरा ज़्यादातर गवर्नमेंट ITI कॉलेज और PPT मॉडल और NSTI नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं, ITI होते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। आशा करता टॉपिक आपको समझ में आया होगा आज का, और वीडियो के सलाह कमेंट जरूर बताइएगा, चैनल पर नए चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नोटिस आपको मिलते रहे। धन्यवाद।